अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी घर में गोलगप्पे बनाना। फिलिंग्स मैंने आपको दिखाई नहीं, जिस तरह आप दही बल्ले बनाते हैं वही फिलिंग आप इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बीच में आप इसमें सुराख करके फिलिंग करें और उसको आप खा सकते हैं। इमली की चटनी भी आपने मेरी चेक की है, लेकिन एक मेरे भाई ने रिक्वेस्ट की थी, खासतौर पर उनके लिए बना रही चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको एक आधा कप आपको चाहिए है जी सूजी का, यानी कि सेमोलिना जो होता है जिसे हम सूजी का हलवा बनाते हैं, हाफ कप आपको वो चाहिए। 1/3 कप आपको चाहिए मैदे का, दैट्स ऑर्डिनरी जो फ्लावर जिसे हम पूरियाँ बनाते हैं या जो भी आप बनाते हैं उसे, पूरियाँ वगैरह खासतौर पर हम मैदे से बनाते हैं। 1/3 कप आपको वो चाहिए होगा। तकरीबन 1/2 कप ऑफ वाटर, ये नीम गर्म पानी होना चाहिए। और आपको एक कटर की ज़रूरत होगी, अगर आपके पास कटर अवेलेबल नहीं है तो किसी भी बॉटल जो बॉटल्स के ऊपर ढक्कन होते हैं आप उसके साथ भी इसको काट सकते हैं। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। वो लीजिएगा और उसमें पहले आप सूजी डालेंगे, मैदा और इसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद अब आपने इसमें पानी डालना है, क्योंकि हमने इसका आटा सा गूंदना है, लेकिन ज़्यादा हार्ड मत गूंदिएगा, थोड़ा सा ज़रा नरम होगा। और आहिस्ता सा करके हम इसमें लूक वार्म वाटर डालकर इसको एक आटे की फॉर्म में ले आएंगे। जल्दी जल्दी पानी डालेंगे तो आपको पता है कि फिर वो ज़्यादा पानी डाल जाएगा, वो सही नहीं है। तो आप देख लें, मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डाल रही हूँ। और इस तरह हम इसको आटे की शेप में ले आएंगे। यहाँ पे आप देख लें कि इसको मैंने आटे की तरह गूंद लिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि इतना नरम होना चाहिए, ज़्यादा अगर ये सख्त हो जाएगा तो फिर ये है कि आपके जो गोलगप्पे हैं वो अच्छी तरह राइज नहीं होंगे। यहाँ पर इसको आपने गूंद लेने के बाद 1 से 2 दफ़ा हल्के से यूज़र आप पंच डाउन कर लें इसको, और इसको आप यहाँ पर रहने देंगे। लेकिन मेक श्योर कीजिए इसको आपने जब छोड़ना है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा सा अपनी शेप ले ले। इसको अपने इस पर डैम्प कपड़ा आप लेंगे, एक कपड़े को थोड़ा गीला कर लें, टी टॉवल कोई जो भी है इसके ऊपर रख लें ताकि वो ड्राई ना हो जाए, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसके गप्पे किस तरह बनाए। यहाँ पर हमने क्या करना है कि 10 से 15 मिनट के बाद आप देख लें कि जो आपका मैदा है ये बिल्कुल अपनी शेप में आ चुका हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, इसके हम 2 पीसेस बना लेंगे। 2 पीसेस बनाने के बाद 1 पीस जो है इसे हम दोबारा कवर कर कर यू साइड पर रख देंगे। और हमें बेलन की ज़रूरत होगी। मैं हमेशा वर्किंग सर्विस इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे वो जो चकला वगैरह होता है उसकी आदत नहीं है, सो दिस इज़ मच सिंपलर। यहाँ पर हमने इसको रख कर अब इसको हमने बेल लेना है, और ज़्यादा इसको आपने जो है मोटा या पतला नहीं करना, थोड़ा सा बेशक नीचे आप खुशका लगा लें। और इसको पहले हम बेल लेते हैं, रफली से हमने उसको बेल लेना है। और क्योंकि जो मैंने आपको पहले ढक्कन दिखाया था वो काफ़ी बड़ा था और उसमें फूल कर और भी बड़े बन जा रहे थे, तो कोई भी आपके पास बॉटल कैप हो तो उसको आपने यूं करके इसके ऊपर आप करते जाएंगे, प्रेस लिटिल बिट हार्ड। और इस तरह जो है हम इसके बॉल्स बनाकर एक साइड पर रख लेंगे। यहाँ पर आप देख लें कि हमने इसके इतने साइज कर लिए हुए, अब इन्हें हम निकाल कर दोबारा इस गीले कपड़े के नीचे रखते जाएंगे ताकि ये ड्राई ना हो जाए। और फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी हमने क्या करना है, इसको हम इसके नीचे रखने लगे। यहाँ पर आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जो है इस पर खुशका लगाना है। आप देख लें कितना छोटा इसका साइज़ है, लेकिन हमने इसको हल्का सा बेल लेना है। या आप इसको राउंड भी कर सकते हैं जिस तरह मैं कर रही हूँ, हल्का सा इस तरह भी कर लें, जो आपको शेप ईजी लगती है। हल्का सा हमने इस पर लगाना है और इसको हमने यूँ प्रेस करके बेल लेना है। ये आप देख लें इस तरह की शेप्स हमने इसको बनाकर हमने फ्राई करना है। ऑयल जो है ऑलरेडी गर्म हो चुका हुआ है, तो मैं उसके अंदर में अब आपके सामने ये डालने लगी हूँ, और ये साथ ही जो है फ्राई हो होकर बाहर निकलते आएंगे और ये फूलते जाते हैं। तो आपको दिखा देती हूँ, आप इधर को देख लें, तेल गर्म हो चुका हुआ है। इसमें हम इसको डालेंगे एक एक करके, ज़्यादा ओवरलैप मत कीजिएगा। इसका तरीका यही होना चाहिए कि पहले इसे नीचे चले जाना चाहिए और आराम से फ्लोट करके ऊपर, इसी तरह हम ये तमाम डालते रहेंगे बीच में और इनको साथ साथ इसकी साइज चेंज करते रहेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने फूलना भी शुरू कर दिया, ये आप देख रहे हैं कि साथ साथ ये फूलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हम बाकी के भी जितने भी तमाम गोलगप्पे हैं इनको यूं ही काटेंगे राउंड, और इनको बीच में गोल्डन होने तक फ्राई होने देंगे और इनको निकालते जाएंगे। आपने ये आप देख लें कि ये फूल चुके हैं, इन्हें अब हम निकाल कर
यहाँ पर मैंने एक प्लेट के ऊपर ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं आपको दिखाने के लिए। नीचे टिश्यू या पेपर टॉवल रख लीजिएगा और इसी तरह हम बाकी भी बना लेंगे। और बाकी को फ्राई कर लेने के बाद आप इसे इजीली एक एयर टाइट बॉक्स लीजिएगा, उसमें इनको रख दें और जब आपका दिल चाहे आप गोलगप्पे बना सकते हैं। तो बाकी के भी पहले तैयार कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको सर्व आप किस तरह कर सकते हैं। तो जनाब ये हमारे लड्डू जो हैं गोलगप्पे जिन्होंने मुझे कहा था मैंने बना दिए हैं यहाँ पर। इन्हें अब आपने क्या करना है सर्व करने के लिए, आप एक स्पून लेंगे, इसे हल्का सा पहले तोड़ेंगे ऊपर से, आप देख लें कितने क्रिस्प बने। बीच में आप चने डालेंगे, थोड़े से पोटैटोज डाल लें। ये मैंने ऑलरेडी पोटैटो जो हैं इनको मैंने बॉईल किया हुआ थोड़े से नमक के साथ में, और चिकपी जो हैं आप कैन के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो कच्चे चिकपीज को आप ओवरनाइट सोक कर लें और इन्हें सुबह अच्छी तरह वॉश करके आप इन्हें बॉईल कर लें, वो भी इसका आप उसका भी बना सकते हैं। और साथ ही आपने मेरी मीठी चटनी देखी होगी इमली की, वो आप इसमें यूं डालेंगे पहले, और थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, और इसी तरह हम बाकी के भी जो है थोड़े से तैयार कर लेते हैं। तो जनाब ये रहे आपके गोल गप्पे, बीच में आप थोड़ा सा ऊपर और आलू वगैरह डाल लें, थोड़ी चटनी और इस पर सर्व कर लें। ज़रूर बनाइए और बताइए आपको कैसा लगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।